जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिरोजाबाद में फिलहाल विकास का पहिया नगर निगम क्षेत्र में घूम रहा है। लगातार निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी जारी है। उसी बीच महापौर नूतन राठौड़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। जनता की शिकायत पर श्रीराम कॉलोनी में हो रहे निर्माण कार्य में पीला ईंट के इस्तेमाल की खबर पर संबंधित अधिकारियों के पेच भी मेयर नूतन राठौड़ ने कसे, वहीं फटकार लगाते हुए ठेकेदार को कहा कि आगे से इस तरह की अगर शिकायत आती है तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। वहीं संबंधित सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि सभी जगह गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। कहीं भी अगर कोई कमी आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि कोई भी आगे से ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। उक्त पार्क के सौंदर्यकरण में बाउंड्री वॉल, पाथवे, 30 झूले, 10 डस्टबिन, 30 बेंचे, वाटर ATM, 16 सोलर लाइटें तथा फुवारा लगाया जाना प्रस्तावित है। महापौर द्वारा उक्त निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित नगर निगम फिरोजाबाद के नगर आयुक्त विजय कुमार को दिशा निर्देश दिए गए कि वह उक्त पार्क में चल रहे सौंदर्यकरण निर्माण कार्य के समाप्त होने तक समय समय पर स्वयं तथा निर्माण विभाग के अन्य सक्षम अधिकारियों के साथ निरीक्षण देखरेख करते रहे, जिससे संबंधित ठेकेदार उक्त अटल पार्क के सौंदर्यकरण में निर्धारित मानकों के अनुसार निर्माण सामग्री का प्रयोग करता रहे। फिर भी यदि ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता पर सामग्री का प्रयोग करने में लापरवाही बरती जाए तो उसके विरुद्ध नियम अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। उक्त निरीक्षण के समय महापौर के साथ विजय कुमार, नगर आयुक्त अमरेंद्र गौतम, अधिशासी अभियंता अतुल पांडे, प्रभारी अधिशासी अभियंता राजेश कुमार, सहायक अभियंता उपस्थित रहे। महापौर द्वारा निर्माण कार्यों से संबंधित ठेकेदार को कड़े निर्देश दिए गए कि वह निर्धारित मानकों के अनुरूप तथा नियत समय सीमा के अंतर्गत निर्माण कार्यों को संपन्न कराना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।